रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहनों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। 2 अगस्त रात 12 बजे से 3 अगस्त रात 12 बजे तक निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यही नहीं, जिन महिलाओं ने पहले टिकट बुक कराया है उनका भी पैसा वापस किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर और दोहरी ये सौगात कही जा सकेगी, क्योंकि इससे पहले रक्षाबंधन के दिन 5000 अतिरिक्त बसें और अब महिलाओं के लिए राखी बांधने जो जाएंगी उनके लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगी बस सेवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन में महिलाओं को एक खास तोहफा दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं को पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो फ्री में सफर कर सकती हैं। और आप देख सकते हैं इस समय हम लोग एक बस स्टेशन पर मौजूद हैं जहां पर वो महिलाएं भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं से इस खबर को सुनकर वो खुश हैं। और साफ तौर पे एक खास बात और है कि अगर किसी ने बस की टिकट को बुक कराया होगा तो उसका पैसा भी उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। इस दौरान उन बहनों को क्या कहना है जो कल यानी आज रात से बस में सफर करेंगी, उनको यात्रा का पैसा नहीं देना पड़ेगा। कितना खुश हैं आप इस खबर को सुनके कि आपको कल बस का किराया नहीं देना पड़ेगा? हम लोग तो बहुत खुश हैं, सरकार का ये अच्छा कदम है जो महिलाओं के लिए इतना बड़ा अच्छा सा गिफ्ट दिया है, और हम उनसे बहुत ही प्रसन्न हैं और उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। साफ तौर पे इनका कहना ये है कि हम लोग सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं। मैम ये बताइए, आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक बसों को पूर्ण रूप से फ्री किया गया है, रक्षाबंधन को देखते हुए सरकार के कदम को कैसा देखती हैं? बहुत अच्छा, हम लोग एक जी के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सुरक्षा को ले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना है आपका कल जब आप अपने भाई को राखी बांधने जाएंगी, अगर आप बस में ट्रेवल करेंगी तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, कैसे देखती हैं? सरकार को सबसे पहले धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये हमारे भाइयों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। अगर हम लोग को रक्षाबंधन के लिए हम लोग को सहायता किए हैं तो हम लोग बस के लिए किराए के लिए बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब व्यक्ति हैं, वो लोग किराया नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम उनको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खुश हैं सरकार के फैसले से। मोदी जी को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमारे साथ वो तमाम बहनें मौजूद थी जो सरकार के इस फैसले से अच्छा खासा खुश दिखाई दे रही हैं, और उनका कहना यह है कि हम सरकार को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए ये सोचा और रक्षाबंधन का तोहफा हमें दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश।